Hello students, I hope you all are good. So today I'm here with a new video of Stellar English, जिसमें हमने एक पोयम पढ़नी स्टार्ट करी थी आई मेट अ ड्रैगन फेस टू फेस एंड साथ ही साथ मैंने आपके साथ इसके क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस कर ली थी. नाउ आज का जो थर्ड पार्ट है इस वीडियो में मैं आपके साथ इसकी बैक एक्सरसाइज शेयर करूंगी, जिसमें जो बुक वर्क है इस लेसन का, इस पोयम का, वो हम डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे. सो अगर आपने मेरा फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है दोनों के, आप वहां से चेक कर सकते हैं. नाउ अब दिस इज योर थर्ड पार्ट, स्टार्ट करते हैं बुक वर्क. पहला है स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू या फॉल्स, कि जो सेंटेंसेस है वो ट्रू है या फॉल्स है. द पोएट टुक अ ट्रिप टू आउटर स्पेस, क्या जो पोएट था उसकी ट्रिप आउटर स्पेस की थी. सो जो हमने पढ़ी है पोयम उसके अकॉर्डिंग येस ट्रू, ये बात सही कहा जा रही है. सेकेंड इज द पायरेट स्केयर्ड द पोएट एंड लेटर बीट हिम अप, पायरेट ने डरा दिया था पोएट को एंड आफ्टर दैट बीट किया था, सो फॉल्स. देन लास्ट द पोएट ट्रेवल इन अ शिप विदाउट बीइंग कॉट, पोएट ने ट्रेवल शिप में करा था ताकि वो पकड़ा ना जाए. शिप की तो बात हो ही नहीं रही पहली बात तो पोएम में, तो इसका आंसर भी फॉल्स है. फर्स्ट का आंसर ट्रू, सेकेंड का आंसर फॉल्स, थर्ड का आंसर फॉल्स. Now come to the next page. Here is your matching, जहां पे आपको match करना है words given है and उसके synonym से match करना है कि उसको और क्या कह सकते हैं. जैसे trip को और क्या बोलते हैं, journey. Wicked माने bad, something bad के लिए हम wicked भी use करते हैं. Search रो माने hunted. Found माने discover, found करना, ढूंढना, उसके बारे में पता लगाना. तो उनके synonym से आप क्या करेंगे, match करेंगे उन words के अकॉर्डिंग. तो ये था आपका अप्रिशिएट मैचिंग, जिसमें आपको साइनोनिम से मैच करना था. नाउ अब आते हैं हम सिक्स पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स यूज इन द पोयम एंड राइट देम डाउन. आपको राइमिंग वर्ड्स करने हैं. राइमिंग वर्ड्स होते क्या है, वो वर्ड्स जो सिमिलर साउंड के होते हैं, जिनका सिमिलर वर्ड्स यूज होते हैं उन्हें लिखने में. जैसे फेस स्पेस एस एस एसीई एसीई दोनों में कॉमन है. ट्रॉल हॉल और ऑल की साउंड आ रही है दोनों में. टेन डेन ईएनईएन सिमिलर है. शार्क स्नार्क एआर के दोनों में सिमिलर आ रहा है. गोल्ड ओल्ड, तो ये दोनों क्या है हमारे, राइमिंग वर्ड है. हेड रीड, तो ईएडी दोनों में कॉमन है. ये हमारे राइमिंग वर्ड होते हैं जो सुनने में सिमिलर लगते हैं. नेक्स्ट लास्ट इज वर्ड वाइज. वर्ड वाइज होता क्या है, आपको क्या करना है, थिंक ऑफ वर्ड्स रिलेटेड टू ह्यूमर से रिलेटेड कुछ वर्ड्स के बारे में सोचो. एंड यहाँ पे कुछ आपको वर्ड्स गिवन है बट उसमें कुछ कुछ वर्ड्स मिसिंग है, ब्लैंक है, तो उनको आपको फिल करते हैं, मीनिंगफुल वर्ड कंप्लीट करना है. जैसे यहाँ पे था एम्यू और एनजी था अम्यूजिंग, ऐसा ही लगाते हैं अम्यूजिंग. फनी का एफ वाई फनी. कॉमिक का सी सी था तो यहाँ पे ओ एम आई लिख दिया, कॉमिक बन गया. क्या बन गया, कॉमिक. नेक्स्ट इज ला फेबल, क्या बना दिया, ला फेबल. तो ये वर्ड्स आप इस तरह से लिख के कंप्लीट करेंगे. सो ये थी आपकी पोयम आई मेट अ ड्रैगन फेस टू फेस के बैक एक्सरसाइज. आई होप आपको समझ आई होगी. सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए. एंड उससे पहले आप क्या करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि और भी ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो स्टूडेंट्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल.